नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल IISM में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो की थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का हमारे स्टडी टॉपिक क्या है, कि ऑपरेटर किस तरह एक रिटेल इन्वेस्टर को अपने जाल में फंसाता है। इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए मैंने 7 गोल्डन रूल्स तैयार किए हैं, जो आपकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन में मदद करेंगे। इससे पहले कि हम अपने गोल्डन रूल्स के ऊपर जाएं, आइए समझते हैं ऑपरेटर को। कौन होता है ये ऑपरेटर? ऑपरेटर होते हैं FII, DII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मार्केट में वॉल्यूम के क्रिएटर होते हैं। इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट होता है, का प्रयोग करके किसी भी स्टॉक्स में बाइंग प्रेशर जनरेट करते हैं और उस स्टॉक की प्राइस को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इसी से चकाचौंध होकर उसमें स्टॉक में एकदम हाई पीक पर जाकर इन्वॉल्व होता है। जैसे ही ऑपरेटर को लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर एक अच्छी खासी बाइंग बना रहे हैं इस स्टॉक में, तुरंत अपना माल बेचकर निकल जाते हैं, ट्रैप हो जाता है एकदम टॉप पर। रिटेल इन्वेस्टर लोअर सर्किट के साथ स्टॉक नीचे आता है, उसे निकलने का या एग्जिट होने का मौका तक नहीं मिलता। यही है ट्रैप ऑपरेटर का, जो साल दर साल फंसाते चले जा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को। रिटेल इन्वेस्टर के इस ट्रैप से बचने के लिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों 7 गोल्डन रूल तैयार किए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इन 7 गोल्डन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप कभी भी इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे और आप मार्केट से एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करने में कामयाब रहेंगे और आप अपने कदम एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की ओर बढ़ा लेंगे। आइए देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 1, चार्ट। किसी भी कंपनी के चार्ट पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अवश्य देख लेना चाहिए कि वह असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न असेंडिंग ऑर्डर में होना यह दर्शाता है कि कंपनी लगातार बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। फॉर एग्जांपल, बजाज फाइनेंस का आपके सामने ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोल कर रखा, लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये आपको आगे भी भविष्य में भी अच्छा रिटर्न कमा के देगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बिल्कुल भी बर्बाद करके रख देती है रिटेल इन्वेस्टर को। तो इस तरह के स्टॉक में कभी एंटर नहीं करना है। फिर देखिए HUL का नेक्स्ट एग्जांपल, इसने भी लगातार अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। निफ्टी की शुरुआत से लेकर अभी तक ये निफ्टी का पार्ट बना हुआ है। FMCG सेक्टर का ये एक स्टॉक है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसको देख लीजिए, ये AB कैपिटल लगातार बेसिस पे गिरते चले जा रहा है और अपने इन्वेस्टर का भरोसा तोड़ा है और उनके पैसे को बिल्कुल जीरो की ओर ले जा रहा है। अतः कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अति महत्वपूर्ण होता है, उसे देखना बहुत ही जरूरी है। गोल्डन रूल नंबर 2, प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग भी दर्शाता है कि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करती है, उसके प्रमोटर का उस कंपनी पर किस तरह का विश्वास है। प्रमोटर होल्डिंग समझाने से पहले मैं प्रमोटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को शुरुआत में खड़ा करते हैं और उसको रन करने में मदद करते हैं, उसके बाद चाहे तो वो उसमें बने रह सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट लेकर वो निकल भी सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% या 50% से ऊपर है तो वो एक अच्छा संकेत माना जाता है कि प्रमोटर्स का अभी भी कंपनी में विश्वास है और वो एक अच्छा रिटर्न कमा के भविष्य में देगी। लेकिन होल्डिंग इससे कम ही चली जाती है तो फिर वो एक नेगेटिव साइन कंपनी के लिए हम मान सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले इसे भी अवश्य चेक कर लें। यहाँ प्रमोटर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, चाहो तो आप पॉज करके वीडियो को इसके बारे में देख सकते हैं। ये प्रमोटर होल्डिंग को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखा रहा और ये क्वार्टर बाई क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग ऊपर से होती है। 56.2 दिखा रही है किसकी? बजाज फाइनेंस की, जो कि मोर देन 50 है। तो ये एक अच्छा संकेत जाता है एक इन्वेस्टर के लिए कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो होने की संभावनाएं देख सकता है। प्रमोटर प्लीज, ये वो शेयर हैं जो कि प्रमोटर अपने हिस्से का कुछ भाग बैंक के पास कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए उधार या गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स का ज़्यादा गिरवी रखा होना शेयरों का अच्छा संकेत नहीं है। इनकेस अगर कंपनी समय पर पैसे नहीं दे पाती है तो बैंक के पास अधिकार है कि वो उसको
शेयर को सोल्ड करके अपना पैसा एक्वायर कर सके। ऐसी स्थिति में शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरता है। आप यहाँ देख रहे हैं यस बैंक का है, तो पैसे बेसिकली इसमें बहुत ही कम है, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, तो जितनी होल्डिंग है उसका भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उन्होंने प्लेस करके रखा हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं कह सकते। कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेती है और उसको आगे उसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है। लोन दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन फ्लक्चुएशन मैनर में रहता है, उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी कंपनी पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो वो उसके ग्रोथ को प्रभावित करती है, क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बैंक को एज इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो उसकी ग्रोथ को अवरुद्ध करके रख देगा। आप यहाँ देखिए बजाज फाइनेंस पे देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल जी, पहले आप नोट कीजिएगा यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले थी, लेकिन साल दर साल उन्होंने उसको रिड्यूस किया है, जो कि एक अच्छे संकेत है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी ये इस तरह आप यहाँ देख के पता लगा सकते हैं कि एक फ्लक्चुएशन मैनर में रहती है, कि वो कभी घटती है कभी बढ़ती है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। साइमल्टेनियसली जिस तरह से कि एक लोन का अधिक होना किसी कंपनी के व्यापार के लिए नेगेटिव साइन है, उसी तरह उसके पास कैश रिजर्व का होना उसके लिए पॉजिटिव साइन है। कैश रिजर्व से कंपनी अपने व्यापार को उतनी तेज़ी से ग्रो कर सकती है, उसे कैश रिजर्व रहेगा तो उसे लोन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने व्यापार को ग्रो करने की इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी का फ़ायदा इन्वेस्टर को वो अब डिविडेंड देकर बोनस देकर पहुंचाती है, तो एक कैश रिजर्व अच्छा खासा होना कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। आप बजाज फाइनेंस की बैलेंस शीट में आप चेक कर पा रहे हैं कि जो यहाँ इनका रिजर्व है काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। ये देखिए 9,490, फिर 16,000 अप्रोक्सीमेट, फिर 19,000, 31,000, 35,000 करोड़, बहुत ही तेज़ी से इनका कैश रिजर्व ग्रो कर रहा है। तो ये अच्छे बिजनेस का संकेत है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है अपने एरिया में। गोल्डन रूल नंबर 5, म्यूचुअल फंड FII FPI इंश्योरेंस होल्डिंग। आप जिस भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप करने से पहले आप इस चीज़ को अवश्य सुनिश्चित कर ले कि उसमें इन बड़े ऑपरेटर्स का या बड़े इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग किस प्रकार की है, क्योंकि इनकी रिसर्च हम लोगों से हमेशा आपसे हमसे हम सभी से बेहतर होती है। ये बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत दर्शाता है कि किसी स्टॉक्स में होल्डिंग, जैसे DII की होल्डिंग बढ़ रही है, तो वो दर्शा रहा है कि वहाँ पे उनका व्यू उसके लिए पॉजिटिविटी है दर्शा रहा है। लेकिन किसी के अंदर घट रही है तो लग रहा है कि उसमें किसी प्रकार का इशू हो सकता है, या फिर वो उनको उतना यकीन नहीं रह गया उस स्टॉक पे कि वो उनको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। गोल्डन रूल नंबर 6, अबाउट कंपनी। वैसे तो मेरा मानना है कि ये सबसे पहला रूल होना चाहिए कि अगर हमें किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरी कंपनी क्या है, क्या काम करती है। लेकिन यहाँ हमने इसको 6 नंबर पर रखा। अगर किसी कंपनी के बारे में जाननी है तो आप NSEIndia.com पर सर्च करेंगे गूगल पर या क्रोम पर, तो आपको उसका पूरा डाटा मिल जाएगा, उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी, उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उसका मैनेजमेंट मिल जाएगा, उसका बिजनेस मॉडल मिल जाएगा कि वो क्या बिजनेस कर रही है, किस तरह का बिजनेस उसको, किस तरह के कंपटीटर उसके साथ हैं, ये किस तरह की प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी पड़ रही है, किस तरह वो ग्रो कर रही है, उसका हिस्ट्री क्या है, ये सब आप आसानी से जांच कर सकते हैं। आप उसके लीडिंग बोर्ड को चेक कर सकते हैं कि उसका ओनर कौन है, इंडस्ट्री किस सेक्टर की है, फाइनेंस सेक्टर की है, जैसे आप ये बजाज का आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर ओनर को दर्शाया गया है और फाउंडर है राहुल बजाज है, हेडक्वार्टर पुणे में दिखाया गया है। की पीपल्स में देखिए प्रोडक्ट लेंडिंग, ये आपको जानना चाहिए आवश्यक है कि आपकी बिजनेस कंपनी करती क्या है, जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर अतिरिक्त डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आपको करके दिखाया गया, ये देखिए वेबसाइट पर जाइए और आपकी उसकी पूरी डिटेल वहाँ से निकाल सकते हैं, उसका रेवेन्यू किस तरह का रहता है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, अगर किसी अदर इशू है कंपनी के अंदर, इंटरन को इशू चल रहा है, तो वो भी आपको वहाँ जाने से पता चलेगा। गोल्डन रूल नंबर 6 का ही पार्ट है 7, कंपनी मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कौन कौन है, चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ऑफिसर्स कौन है, ये आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, या आपको मनी कंट्रोल साइट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको एक फंडामेंटली स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड कुछ गोल्डन रूल्स बताए हैं, अगर उनको हम समराइज करेंगे तो वे इस प्रकार हैं, चार्ट, प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स प्लीज, टैप, म्यूचुअल फंड FII इंश्योरेंस होल्डिंग, अबाउट कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी कंपटीटर। आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे एक बार फिर वादा करना चाहता हूँ कि
आप कभी स्टॉक मार्केट में धोखा नहीं खाएंगे, अन्यथा आप किसी का रिकमेंडेशन देख के, किसी के कहने पे आके अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप हमेशा ऑपरेटर का शिकार बनेंगे और अपनी हार्ड अर्न मनी को गंवाते चले जाएंगे और आप जल्द ही स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है और यहाँ से मिलियनेयर बनना है, अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप एक लॉन्ग टर्म व्यू में एक इन्वेस्टर बनिए और अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म करके